नूडल्स बॉईल किए हुए हैं, ये चिकन बचा हुआ है, ये आलू बॉईल हो रहे हैं और ये चिकन जो है उसको मैं रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इतना कर लूँगी। मैंने आपको स्टेप दिखा दिए सर, जिस तरह से ये करके इसको स्लाइस कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़रा ऐसा था पॉपकॉर्न, और उसके लिए मैंने छोटे पीस वाला साइडों में से निकाल के रखा हुआ था, तो आपने कहा था ना मैश कर लेंगे, वो उसमें से बोटियों को अलग अलग कर लेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रोसीजर बात का दिखाती हूँ। देखिए मैंने शिमला मिर्च वगैरह ये काट ली है, इसमें मिक्स करूँगी गार्निशिंग के लिए, ये अंदर डालूँगी चिकन के साथ। ये नूडल्स है, ये चिकन बस फ्राई होने वाला है, इसको थोड़ा सा मैंने कुक करने के चक्कर में बॉयल नहीं किया। मैंने ज़रा आप देखिएगा इसका टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, इसमें कल मैंने जो डिश बनाई थी कुछ इसके साइड ये है, इसमें मैंने चिकन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया। ठीक है, ये डन होने वाला है, आलू मेरे बॉयल हो गए और ये नूडल्स है ये बॉयल करके मैंने कर दिए जो सुबह की मॉर्निंग की दिखाई थी, और ये चिकन मैं ये श्रेड कर दिया है मैंने सर। इसमें हल्की सी हरी मिर्च डाली है क्योंकि मैंने बोन वाला यूज़ किया था चिकन, और ये बॉइल्ड राइस हो गया है और इसको मैंने कांटे से मैश कर दिए, और इसमें हल्का सा मैंने चिकन पाउडर डाला और नमक डाला है फ्लेवर के लिए। अब इसमें भी डाला था मगर इसमें मैंने कहा बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे, ये शिमला मिर्च है और जो है ये हरी मिर्च है। इसको मैंने निकाल लिया, ज़रा फॉर्मर्स को मैं चाह रही थी कि ये भी ऐसे हो जाएंगे, हो चुके हैं और बस इंशाल्लाह ताला इसको चेक कर रही थी इसलिए बार बार कर लिया। अब इसको टिशू पे इसलिए नहीं कि टिशू में क्या होता है, उसके टिशू जो पेपर टिशू होता है वो वाला तो सही होता है, मेरे पास ज़रा सॉफ्ट वाला है, तो इंशाल्लाह बस मैं इसमें पैकिंग कर रही हूँ। ये मैंने गार्निशिंग के लिए ये शिमला मिर्च और ये डाल पाता हुआ है,